मेरे को लग रहा है भाई शेडो ऊपर लगाते नीचे नीचे मतलब मतलब कि आंख के ऊपर या आंख के नीचे। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है लॉकडाउन का कौन सा दिन बेबी? पता ही नहीं, अब तो लॉकडाउन लग रहा है, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन में ही जिएंगे, अब हमारी जिंदगी ऐसी कटेगी। लेकिन हम क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कीड़े करने बहुत जरूरी है। देखो रोज कुकिंग वीडियोस तो आ नहीं सकते, घर की सफाइयां मैं ये सब काम करती रहूं, मैं नहीं, मेरे को कुछ और भी दिखाना नया, तो हमने सोचा है कि कुछ नए कीड़े करेंगे और आज करेगा अविनाश मेरा मेकअप। बेबी मैं ऐसा इंटरनेशनल मेकअप करूंगा ना, इंटरनेशनल समझ गई मैं, चलो सारे मेकअप आर्टिस्ट फेल हो जाएंगे। मैं इतना तो एक्सप्लेन कर देती हूँ सबको कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है। नहीं मत बताओ। नहीं नहीं तुम्हें मैं कुछ सब कुछ बता भी दूंगी ना तब भी तुम्हें कुछ नहीं आता, नकल के लिए भी अकल चाहिए। चलो आओ आगे, अब मैं देखती हूँ, ये तो मेरे लिए ही है ताकि मेरा तुम मुंह ना खराब कर दो। तो मैं थोड़ा सा पहले ही लगा लेती हूँ ये क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च, और ये लग गया। अब मेरा फेस तुम खराब भी करोगे तो कल से मेरी स्किन भी खराब होगी। मतलब तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा फेस खराब करूंगा? लग रहा है नहीं, तुम करोगे। तो ओके गाइस, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज शिमर। है बेबी तुम्हें सच्ची बिल्कुल कुछ भी नहीं पता क्या? ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सुनो तुम कुर्सी पे बैठोगी और अपना मुंह बंद रखोगी जब तक मैं मेकअप करूंगा, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मेरा अपना। तो मतलब मैं देख नहीं सकती क्या? नहीं, हो गया, बचा लिया मुंह। ऐसा मेकअप करूंगा ना कि उतारना ही नहीं चाहोगी। लेके आओ कुर्सी, लेके आओ। वो भी मैं ही करूंगी। हाँ, और मिरर के सामने मत लगाना कुर्सी। कहाँ बैठूं? इधर बैठो, मिरर देखोगी तो तुम बार बार टोकोगी मेरे को। ऐसे बैठूं? हाँ, वेरी गुड। मतलब तुम्हें लैशेस भी लगानी थी? लैशेस मैं ऐसी लगाऊंगा ना बेबी, लाश बना दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम तैयार करेंगे मुंह धोने से, ठीक है? मुंह धोने से नहीं, मैंने मॉइस्चर सर्ज ऑलरेडी लगा लिया है। तो इसमें पहले पानी नहीं लगेगा? थोड़ा सा, थोड़ा पानी मार के टिश्यू से साफ करूंगा ना। दादा मत बनो। दादा मतलब मेकअप दादा होते हैं ना हमारे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे फाउंडेशन से, आई थिंक। देखा, मेरे को पता है अभी यही है ना फाउंडेशन। पढ़ो ना, खुद पढ़ो। हुडा ब्यूटी। हाँ। तो फाउंडेशन हम कोशिश करेंगे कम से कम यूज करें ताकि मेकअप भी बचे और बंदा ठीक भी लगे। एक तीर से दो शिकार बस काफी है। बेबी हल्के हाथ से नहीं कर सकते? मुझे मार रहे वैसा लग रहा है। और अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये ज्यादा हो गया क्या? तुम देखो ना, मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। बेबी पूड़ी बना रहे हो क्या? आंख बचा के बेबी, मेरी आंख वहां फोड़ देना। अरे बेबी जब तुम आंखें खोलोगी और तुम अपना मेकअप देखोगी ना। हाँ। तो दोबारा शादी कर लोगी मुझसे, समझी? पहले थोड़े मूंछ के बाल हटा दूं। दोस्तों मैंने थ्रेडिंग और अपर लिप नहीं कराया, बहुत दिन हो गए। वैसे मैं नहीं कराती, क्या करके रहे हो बेबी? बेबी तुमने अपना मुंह इतना ऐसे क्यों छोड़ रखा है, डेड बॉडी की तरह? आई थिंक मैंने बहुत बढ़िया फाउंडेशन ऑलरेडी लगा दिया है। आंख बंद। बेबी गला घुट रहा है मेरा। बेबी मैं पहली बार कर रहा हूँ, इतना तुम्हें झेलना पड़ेगा। अरे नाक थोड़ी निकालना है। आंख बंद। शिट बेबी ऐसा लग रहा है तुम बाम लगा रहे हो मेरे। अब हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा ये क्या चीज है, मिलानो स्टैंडर्ड वॉल्यूम मस्कारा। मस्कारा तो नहीं जाना चाहिए, इसके बाद जाना चाहिए। ये तो मैंने लगाया था ना पहले। तो ये पहले हम, अरे पहले सबसे पहले हमें ये बंद करना था जो हम भूल गए, तो हम इसको बंद करेंगे पहले। आई शेडो में मैं सबसे पहले देखूंगा कि संभावना ने अभी क्या क्या पहना हुआ है, उस हिसाब से मैं उसको कलर डिसाइड करूंगा। तो संभावना ने ये पिंक पहना हुआ है और ये पहना हुआ है और ये पहना, तो हम कुछ ब्लू और पिंक के बीच का डिसाइड करेंगे जो संभावना को लगे। इसमें ब्लू का है ये रहा ना अंदर हल्का, ग्रीन है क्योंकि आई शेडो है और अच्छा लगना चाहिए, तो हम लोग इसको मोटे ब्रश से लगाएंगे कि पहले। क्या हुआ ये दोस्तों? आई शेडो ब्रश है। नहीं तो अगर किसी ने कह दिया कि इस ब्रश से मेकअप हो सकता है तो सिर्फ मेकअप ही हो सकता है क्या? हम क्रिएटिविटी थोड़ी ट्राई करेंगे उसमें। मेरे को लग रहा है आई शेडो ऊपर लगाते नीचे। नीचे मतलब मतलब कि आंख के ऊपर या आंख के नीचे? आई थिंक ऊपर नीचे दोनों लगता है। नीचे लगता है काजल और मस्कारा। नहीं मस्कारा तो आई उस पर लगता है। ठीक है चलो बेबी। क्या हुआ बेबी? आई शेडो ब्रश ये होता है ये। बेबी आंख के अंदर थोड़ी जाएगा, आंख के ऊपर आएगा। मुझे रोको मत, फिर मैं ना अच्छे से कर पाऊंगा। मैं रोकने लायक तुम रहे नहीं हो बेबी, तुम बहुत आगे निकल गए हो। आंख बंद करो। हो गया बेबी? ज्यादा लग गया? नहीं, दोनों पे अगर अलग अलग कलर ट्राई करें तो बेबी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बदतमीजी मत करो। यही तो बात है ना, लोग जिंदगी में कुछ नया ट्राई करना ही चाहते, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। खोलो आंख।
ये वही ना बात, ठीक लग रही हूँ मैं? अरे अभी तुम देखो, अभी तुम्हारी जब मैं आईब्रो में दो चार बाल बढ़ाऊंगा ना तब पता चलेगा। ये हो गया आई शेडो, हो गया क्या? नहीं नहीं अभी और होगा। तो ये है काजल पेंसिल ना? अरे इसमें वो कहाँ है? निकालो ना, गोल घुमाओ ना तो निकलेगा। अरे ऐसे क्या हुआ, ऐसे कैसे आ रहा है तुम्हारा ब्रश? ऐसे जाता है ना ये? तुम मेरा मेकअप नहीं कर रही हो, मैं तुम्हारा कर रहा हूँ, ठीक है? क्या गिर गया? तुम्हारा यही प्रॉब्लम, तुम्हारे आईब्रोज बहुत पतले हैं, तुम मोटे बनाया करो, ठीक है? अभी मेरे से सीख लो इस बार, आगे से मोटे बनाना। हाँ तो ये जो घास की तरह तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं ना इसमें, मनी प्लांट से तेज तुम्हारी आईब्रो बढ़ रही है, और एक ही बाल बढ़ रहा है। पता नहीं क्या चक्कर है, एक ही बाल बढ़ता है। संभावना आईब्रोज में अपने एक ही बाल को पानी देती है रोज, तो एक ही बाल बढ़ के ना सर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, मनी प्लांट की तरह। बेबी तुम ठीक कर रहे हो ना? बेबी अगर गलत भी कर रहा हूँ तो तुम्हारा पति हूँ ना? पति के सर पे कब पतीला पड़ेगा ना ये पता नहीं चलेगा। बेबी कर क्या रहे हो तुम, इतना नीचे कैसे आ गई? और तुमने मेरे को ना बोलते बोलते मेरे मुंह पे थूका भी, आंख में गया थूक। वो थूक मेकअप का हिस्सा था एक। अभी ब्लू की आई शेडो, हाँ। अभी इसमें एक मिक्स करेंगे ताकि अच्छा हो जाए, ब्लू के साथ पिंक, ठीक है? अच्छा हाँ। तो ये इससे इसी से लोगे? तो ब्रश चेंज करना पड़ेगा क्या? ये ब्रश ये होगा आई शेडो के लिए? अरे यार इतना बोल रही है तो ब्रश चेंज कर देते हैं। अभी हमने ब्लू यूज किया था, अब उसके साथ पिंक मिक्स करेंगे। पता नहीं पिंक है या कौन सा कलर है, बट अच्छा लग रहा है मुझे। बेबी तो होली की तरह तुमने रंग उठाया, तमाशा मत बना देना जो तुम कर रहे हो ना। हाउ आई विश कैन आई सी इट अविनाश? बेबी जब तक फाइनल हो जाएगा तुम नहीं देख सकती। और अब हम देंगे थोड़ा सा नोज कटिंग। नोज कटिंग देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैंची और चाकू का। है नोज कट करना है ना? तो नोज कटिंग तो मैंने तुम्हें दी ही नहीं है। इधर देखना जरा सामने, ये देखो। वेरी नाइस। मैं ये सोच रहा हूँ कि आई शेडो एक ब्लू हो गया, उसके ऊपर पिंक हो गया, अगर इसके ऊपर एक और आ जाए तो मेरे को लग रहा है एक अच्छा आई का लुक आ सकता है। अच्छा इसको कैसे हटाना है? ब्रश पे सेम ब्रश यूज कर लूँ? हाँ सेम यूज कर रहा, तुम कर सकते हो। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ शिमरी इफेक्ट यूज करें, तो ये थोड़ा सा मेरे को शिमरी लग रहा है। इसको हम यूज करते हैं और डार्क भी, और इसके ठीक ऊपर ब्लैक आईब्रो जब दिखेगी तो वो अच्छी लगेगी। बस यही चाहिए था। बेबी चाची ताड़का तो नहीं दिखा रहे मुझे? नहीं पूतना बना रहा हूँ। अब हम आते हैं सीधा इस पे, आईलैशेस पे। आईलैशेस के लिए हमको चाहिए थोड़ा सा फेविकॉल। मैं देख रहा हूँ कि जो आईलैशेस हैं इसमें ऑलरेडी गोंद लगा हुआ है, तो हम नया गोंद यूज करके उसको वेस्ट नहीं करेंगे। अरे लगाओ भाई। क्यों लगाओ? अरे लगाना है उसको, छूना नहीं है। चलो लग गया, लग गया। अब पहले देख तो लो लेफ्ट है राइट है, तो दोनों में फिट हो जाएगी। तो बेबी ऐसा क्यों लग रहा है तुमने आंखों के बीचों बीच लगाया है? सेकंड आईलैश भी ये लिया मैंने काजल। ऊपर बेबी आंख के अंदर मत मार देना, लॉकडाउन चल रहा है ना, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। काजल थोड़ा खींचेंगे, ठीक है? मतलब प्रोफेशनल की तरह कर रहा है मेरा बेबी, मतलब काजल को खींचेंगे। इधर ज्यादा लंबा हो गया, तो इधर थोड़ा और खींचेंगे। बराबर आया? मैं सोच रहा हूँ अगर मैं काजल को दो रास्ते दे दूं। दो रास्ते दे दूं मतलब? मतलब अगर काजल को एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक अगर हम स्ट्रेट कर दें, मतलब तिकोण निकाला है। हाँ अच्छा, मृगनैनी 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 बनाया मेरे बेबी ने मुझे। उधर देखो हाँ। बढ़िया। अब हम जाएंगे, इतना काफी है काजल। देखो मुझे लग रहा है काजल की एक लेयर और लगती है। कहाँ पे? एक नीचे से थोड़ा सा और ना, थोड़ा डार्क हो जाएगा ना काजल। डार्क करने की जरूरत नहीं है, लाइट रखो ना मेकअप। बेबी आई बिलीव इन लाउड, whether it's music or makeup. भी कहा था तुम्हें मेकअप करना नहीं आता, और कहा तुम इतनी क्रिएटिविटी कर रहे हो? भी क्या कर रहे हो, इतना नीचे कहाँ से आ गया काजल? अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिप्स पे ध्यान देंगे। इसके बीच में कुछ वो नहीं आएगा क्या? पाउडर वाउडर कुछ नहीं आएगा? ब्लश ऑन पाउडर? या ब्लश ऑन के लिए? अरे ये तो ब्लश ऑन का ही ब्रश था। हाँ ये ब्लश ऑन का ब्रश था जो तुमने ऐसा कर दिया। धो दूं इसको? नहीं नहीं धो दोगे तो धुल जाएगा पूरा। लगाइए ब्लश ऑन। ब्लश ऑन करेंगे हम मैचिंग तुम्हारी लिपस्टिक से, तो पहले लगाते हैं लिपस्टिक। सॉरी मैंने ब्लश ऑन तो तुम्हें दिया नहीं है, ब्लश ऑन दे दो तुम्हें। तो जिसको मैं ब्लश ऑन सोच रहा था वो क्या करे? वो तो आई शेडो है। ये आ गया ब्लश ऑन, और अब शुरू करेंगे ब्लश ऑन से। तो हम जिस कलर का ब्लश ऑन लगाएंगे, बिल्कुल मैंने सोचा उसका कॉन्ट्रास्ट लिपस्टिक लगाएंगे। तो अगर ये पिंक ब्लश ऑन हम लगा रहे हैं तो हम लोग ग्रीन लिपस्टिक या ऐसा कुछ यूज करेंगे। है ग्रीन? मैं इतना मारूंगी ना तुम्हें। ग्रीन क्यों लगाएंगे लिपस्टिक? कॉन्ट्रास्ट दिखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने मैक में जब संभावना का मेकअप रहा तो मैंने सीखा था ब्लश ऑन हमेशा ऊपर की तरफ मारना चाहिए। तो हम ऊपर की तरफ मारेंगे ऐसे चीक बोन पे, ताकि चीक बोन निखर के और भी खूबसूरत हो जाए। अरे इसमें से निकल ही नहीं रहा। अरे भाई ऐसे ऐसे करके वैसे निकल गया। ये लो भाई बस हो गया ना। भाई देखो मुझे क्या है, मुझे ना गल्फ की लड़कियां बहुत पसंद है। चल आगे चल। वैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ।
वेरी गुड। मेरे हाथों से ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं कितना प्रोफेशनल कितने सालों से कर रहा हूँ। बेबी बस हो गया ना कितनी बार यार। अब जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे करने दो ठीक है। जब तुम खाना बनाती हो मैं कहता हूँ बस हो गया और नमक मत डालो और जीरा मत डालो। भाई बड़ी इसका ढक्कन का है तो छोड़ दो उसको, मैं इसको इधर ही रख के अब हम करेंगे स्टूडियो फिक्स। इसके अब स्टूडियो फिक्स करोगे? हाँ क्यों, जहाँ जहाँ ब्लश ऑन किया वो छोड़ देंगे ना हिस्सा। अच्छा ठीक है, ताकि कवर ना हो जाए। तो दोस्तों ये रहा मेरी बेबी का फेवरेट स्टूडियो फिक्स और ये तो लग रहा है कि कचरे में से लेके आई। ये यूज कर लो ना, ये लो ये यूज कर लो, ये मैं इसको हटा देती हूँ। ये हम करेंगे स्टूडियो फिक्स और हमने जहाँ जहाँ ब्लश ऑन किया है वहाँ वहाँ हम स्टूडियो फिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो ब्लश ऑन खराब हो जाएगा। मैं मार दूंगी जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना। बेबी मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन क्रिएटिविटी के पूरे 100 में 100 मिलेंगे मुझे। बस बस काफी काफी चुप। मैं इतना मारूंगी ना, याद रखोगे? जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आईलैशेस उखड़ रही हैं तो उनको थोड़ा उखड़ने देंगे ताकि एक बार में चिपकाएं, बार बार चिपकाएं फिर उखड़ेगी, कोई फायदा नहीं। हाईलाइट किस, ये क्या शिमर, शिमर कहाँ मारते हैं? यहाँ मारते हैं ना। बता अच्छा अच्छा हाँ ज्यादा मतलब मार मत देना। शिमर हम यूज करेंगे उंगली से? नहीं नहीं। अच्छा काय को करेंगे उंगली से? और बेबी बहुत महंगा है, प्लीज आराम से यूज करना, कम को यूज करना। मुझे कम यूज करना नहीं, बदतमीजी मत करो ना, मेरा बहुत महंगा सामान है। बेबी मेरे अंदर तो वो कला है, मैं बिना छुए यूज कर दूं इसको। चलो नहीं यूज लगाना है लेकिन। अच्छा तो ब्लश ऑन में क्या करेंगे हम, जो एकदम ऊपर वाली लेयर है ना ब्लश ऑन की, उस पे हम ये मारेंगे शिमर, ताकि जब दूर से लड़की चलती हुई आए लगे तो ऐसा लगे हिरनी आ रही है। अच्छा बस चल हो गया, हो गया शिमर, हो गया। मुझे रोकना नहीं, अब करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक है हमारे पास एक, ये लिपस्टिक नहीं है, ये मस्कारा है। तो मस्कारा लगाऊंगा? नहीं हो गया, मस्कारे से मोटी लगेगी ना वो लिपस्टिक, मेरी मर्जी से लगेगी ना। हाँ तो लगाओ ना, तुम्हारी मर्जी है। खुलती किधर से? जिसको खोलना ही नहीं आता वो लगाएगा क्या? बेबी हल्का हल्के हाथ से लगाना, बहुत महंगी लिपस्टिक है। पहले लेट टू सी क्या कलर है, और कोई कलर तो मैं इस लिपस्टिक से पहले हम लगाएंगे लिप बाम। नहीं नहीं लिपस्टिक लगाओ। चलो चलो ऐसे मुंह से बना ओ ओ ओ करना है। हाँ। ए नहीं करना। हाँ। ओ चलो ऐसे। हाँ, ओ रहना, जब मैं बोलूंगा ए तब ए करना। हाँ ओके, ऊपर देखो छत की तरफ। ओ आंख से नहीं मुंडी से। ओ थूक मत देना मेरे हाथ पे, अब करो ए ए। हाँ आउ भी बोल रहा है क्या? नहीं नहीं। आ ना ना ना, अब बोलो क्यू क्यू। हाँ ये नया तरीका है। हाँ दोस्तों मेकअप का न ऐसे मिलाओ। मैं कुछ मिसिंग लग रहा है बेबी, नोज कटिंग मिसिंग लग रही है। किससे होती नोज कटिंग? किसी से कर दो थोड़ा। तो अब हम करेंगे नोज कटिंग थोड़ा सा। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ से अब ये मेकअप हो गया है पूरा, लेकिन अभी मैं इसमें एक फाइनल टच दूंगा अपने हाथ से। अभी तक था ब्रशों का कमाल। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मैं कर दूंगा। अब नहीं टूटा, बच गया। ब्रश का तो काम हो गया, अब थोड़ा सा इसको जादुई हाथों से कमाल देते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट वही होता है जो अपने हाथों से काम कर सके। मैं बोरोलिन लगा रहा हूं क्या? अब फाइनली मैं अपने बेबी को दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे बेबी का मेकअप कैसा हुआ है। बेबी देखो आंख बंद, बस सूखने दो। हो गया? हाँ जी चले। हाँ देखे, देखो अगर इसमें देखो कैमरे में, पहले मैं पब्लिक को दिखा दूँ। आ जाओ बेबी इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी मैं बोलूंगा तब खोलना आँख। कहाँ हूँ मैं, ठीक हूँ? हाँ देखो। अरे 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 क्या हुआ? ओह शिट बेबी, क्या किया मेरे साथ? इधर आओ मिरर में देखो ये। तुम अरे यार हंसने की क्या बात है इसमें? बेबी मृगना नहीं है तो और कैसे? चाची ताड़का है, रावण के तुमने बनाए हैं आईब्रोज। बेबी दिस इज अ रामलीला का मेकअप, मैंने रामलीला की हुई है, मुझे पता है। हॉरिबल दिस इज यार, हद ही होकर दी तुमने तो यार, ये क्या किया है? हो सकता है लाइट की वजह से ऐसा लग रहा हो, खराब लाइट हो इसलिए। वो खराब ही है भाई, ये तुमने क्या किया है? मेरे कैंडू डर गया। ऐसे क्यों देख रही हो तुमको? वो डरी हुई है, माँ को क्या हो गया? अब गुस्सा करोगी तो शूर्पणखा लगोगी ना, स्माइल करो। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं सीते, हम लंकेश्वर रावण हैं। सीता
भी वही लग रहा है। आप लोग जरूर बताओ कि मेकअप कैसा लगा, मैंने पहली बार लाइफ में किसी का मेकअप किया है। टिल देन आपको मैं मिलती हूँ एक और ब्लॉग में, जहाँ पर मैं आप जल्दी अविनाश का मेकअप करूंगी, एंड देन यू विल सी मेकअप किसको कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेकअप करूंगी, लड़कियों वाला लड़कों वाला? लड़की वाला मेकअप करूंगी, इसको लड़की बनाऊंगी मैं। अब देखो, शिट बेबी, ये कितना गंदा लग रहा है यार। मैं अब देख रही हूँ ना क्लोजअप, देखो मेरी आंखें, देखो मेरी आंखें बेबी, ताड़का, हाय चाची ताड़का। बेबी तुमने जानबूझ के किया ना, अगर खराब करना होता तो मैं 10 मिनट में कर सकता था, इतनी मेहनत क्यों की मैंने। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट। बेबी तुम हंस रहे हो, मेरे को तुम्हारा पेट हिल रहा है, मुझे पता है पता, क्योंकि तुम मुंह से नहीं हंसा, ये हंसी दिखा रहे हो ना, तो तुम्हारा पेट उछल रहा है अंदर से। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेट एंटरटेनमेंट। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निर्मा से मुंह धो लो।